सेल्फी लेने की दीवानगी लोगों पर इस कदर हावी हो चुकी है कि वो कब अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं उन्हें पता नहीं चलता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मिर्जापुर में, जहां टांडा फॉल पर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया युवक सेल्फी लेते वक्त फॉल में गिर गया। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी की शाम को तीन दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सूरज मौर्या टांडा फॉल पहुंचा। सभी दोस्त मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, तभी सेल्फी लेते समय चालक सूरज का पैर फिसला और वो गहरे पानी में गिर गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉल में गोताखोर की मदद से तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद भी सूरज का कहीं पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया, लेकिन एनडीआरएफ की टीम को भी अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मित्रों के साथ टांडा फॉल में गया और एनडीआरएफ की टीम भी कल भी टीम ने सर्च किया, आज भी टीम ने सर्च किया है, अभी हमको सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी सर्च कर रही है। हाँ, अभी सर्च कर रही है। क्या पिकनिक मनाने गया था? हाँ, गया था, अपने घर के ही लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गया था। अभी हम लोग प्रयास जारी है, सफलता उम्मीद है कि मिल जाए। फिलहाल 25 जनवरी की शाम से फॉल में गिरे सूरज की तलाश जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही एनडीआरएफ को सफलता मिलेगी। वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। हमारे लड़का सूरज मौर्या, कितने वर्ष का है ये? 17 साल। तो क्या हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला है? हम लोग के पता चला, इसे फोन यहाँ से गया, दूसरे के मोबाइल से पता चला। क्या पता चला? कि वहाँ डूब गया आपका लड़का। कहाँ पे ये, कौन सा फाल है? टांडा फाल। तो कब पता चला आप लोगों को? संध्या की 7 बजे। कितने दिन की घटना है, कई दिन हो गया ये? 25 तारीख का है घटना। ये कोई पहला मामला नहीं जब सेल्फी के चक्कर में इस तरह का हादसा हुआ हो और किसी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, लेकिन फिर भी लोगों को सेल्फी प्रेम है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और लोग अच्छी सेल्फी लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।